ये राजनीति विज्ञान में हम अध्याय 6 नागरिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। नागरिकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति सिद्धांत है, उसका एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि हमारी पहचान हमारे देश से और हमारी नागरिकता से ही परिलक्षित होती है। विश्व में कहीं भी हम जाते हैं, हम भारतीय हैं, ये जापानी हैं, ये फ्रांसीसी हैं, तो इस प्रकार हमारी नागरिकता से ही हमारी पहचान होती है। तो नागरिकता का क्या अर्थ है? नागरिकता का अर्थ है कि हमें अपने कुछ पहले हम नागरिकता मिलेगी हमें, उसके बाद हम नागरिक बन जाते हैं। तो नागरिकता से ही नागरिक का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये एक नागरिकता एक क्षमता या कहना चाहिए कानून के द्वारा प्राप्त एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण मानव को नागरिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और ये अधिकार प्राप्त होते हैं जिससे वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, और नागरिकता के कारण ही व्यक्ति को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। तो विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग इसको अपने विचारों के द्वारा व्यक्त किया है, जैसे शा डेसमांड ने किया कि नागरिकता सिद्धांत ना होकर क्या है, एक जीवन है। और गैटिल ने क्या किया, बताया कि नागरिकता किसी व्यक्ति की उस विशेष स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने राज्य की समान राजनीतिक अधिकारों का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। तो विभिन्न विद्वानों ने नागरिकता की विभिन्न परिभाषाएं दी। तो हम यदि कानूनी हैसियत से नागरिकता को व्यक्त करते हैं तो यह व्यक्तियों को उससे क्या मिलता है? समान अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता और बंधन तथा समान शक्तियां और जिम्मेदारियां मिलती हैं नागरिक होने के नाते। नागरिकता का अर्थ कुछ निष्ठा या कर्तव्यों का पालन करना भी होता है। कानूनी नागरिकता तो मिलती ही है, साथ में नागरिकता होने के नाते हमें कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। अब हम थोड़ा सा नागरिक के बारे में आपको बता दें कि नागरिक को यहाँ दो भागों में बांटा गया है, एक नागरिक और दूसरे विदेशी। नागरिक मतलब जो अपने देश के हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? नागरिक, और जो बाहर से आए हैं। अब नागरिक में भी आप देखोगे चार श्रेणियां हैं। अल्प वयस्क व्यक्ति मतलब जिनको राजनीतिक अधिकार में मत देने का अधिकार नहीं है, मतलब एक निश्चित आयु वर्ग की से ये कम आयु के लोग रहते हैं अल्प वयस्क। तो हमारे भारत में जैसे 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति इस श्रेणी में आएंगे। फिर है मताधिकार विहीन व्यक्ति, कुछ 18 साल से ज्यादा भी हैं लेकिन उन्हें कुछ अयोग्यता है, शारीरिक मानसिक अयोग्यता है, या वो पागल हैं, दिवालिया हैं, उन पर बहुत सारे घोटाले हैं और देशद्रोही हैं। तो ये व्यक्ति भी मताधिकार मतलब नागरिक, इनको नागरिक का दर्जा सही तरीके से नहीं देंगे और इनको मत देने का भी अधिकार नहीं है। तीसरा होते हैं कि मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्ति, जिनको जो निश्चित आयु दी गई है उस आयु से यदि वो पार करते हैं तो वो कहलाते हैं मताधिकार, और इसकी आयु हर देश में अलग-अलग निर्धारित की गई है, और ये राज्य के प्रति भक्ति एवं निष्ठा भाव रखते हैं, इन्हें मताधिकार प्राप्त वयस्क नागरिक कहते हैं। एक होती है देशीकृत नागरिका नागरिकता, या उनको नागरिक कहेंगे जो नागरिकता ग्रहण कर लेंगे। यदि कोई विदेशी बहुत दिनों से हमारे भारत देश में रह रहा है या किसी देश में रहता है और वहाँ देश की जो भी शर्तें और नियम हैं उनको वो पूरा कर लेता है तो उन्हें राजनीतिक और सामाजिक अधिकार मिल जाते हैं। अपन बोलते हैं ना किसी ने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली, मतलब भारत के थे तो उन्होंने जो नियम थे अमेरिका के वो सारे उन्होंने उसका पालन कर लिया, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? देशीकृत नागरिक। ये नागरिक के चार भागों के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे विदेशी क्या है।
जो व्यक्ति अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए किसी देश में आया है, तो उस देश में उसे राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, वो मत नहीं दे सकता, वोट नहीं डाल सकता है। और वो व्यक्ति जिस देश का है, तो स्वाभाविक है उसको अपनी देश प्रेम की भावना अलग रहेगी, तो उसमें उसको सामाजिक अधिकार तो मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे समाज के बीच में रह रहा है। तो और उसको अपनी संपत्ति की रक्षा के भी अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन उसे कुछ सामाजिक और राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे। यदि उन्हें अपने देश की नागरिकता ग्रहण करनी है, तो वो नियमों का पालन करना होगा। और यदि वो उनको अपने जो जिस देश से वो आए हैं, उनका कानून का पालन करना पड़ता है। किसके लिए? नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि उद्देश्य के आधार पर जो विदेशी हैं वो देश का अपना कानून का पालन करेंगे। अब होते हैं एक स्थायी विदेशी और एक होते हैं अस्थायी विदेशी, और एक होते हैं कूटनीतिक एम्बेसडर, जो कि इन्हें हम राजदूत भी कहते हैं। स्थायी मतलब अभी मैंने पूर्व में बताया कि जिस देश में नियमों का पालन करते हुए वो उस देश की नागरिकता ग्रहण कर जाते हैं और अपने देश को छोड़कर किसी भी विदेश में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, तो वो उस देश की शर्तों को क्या करते हैं, पूरा, तो वो स्थायी हो जाते हैं। अस्थायी मतलब जो किसी कार्यवश थोड़े दिन के लिए, इसी पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए, घूमने के लिए आए हैं, या कोई कुछ उनका व्यवसायिक कार्य है उसके लिए आए हैं, तो वो कहलाते हैं अस्थायी विदेशी। और एक होते हैं राजदूत, ये तो एक राजनीतिक पद होता है राजदूत, और प्रत्येक देश में दूसरे देश के राजदूत होते हैं। जैसे अपने दिल्ली में, भारत देश में दिल्ली में विभिन्न देशों के राजदूतों के लिए उनको फ्लैट दिए गए हैं, उनके मकान बने हुए हैं, वो रहते हैं, दूतालयों में रहते हैं। और इनमें राजदूत कार्यालय के कर्मचारी एवं अन्य सहयोगी भी सम्मिलित होते हैं, और इन्हें सारी सुविधाएं और सब कुछ, इनको कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से रह सके। तो ये था नागरिक और विदेशी के बारे में। हमने आपको बताया कि विदेशी शब्द का क्या अर्थ है। अब जो नागरिकता है उसकी विशेषताएं, ये पांच विशेषताएं बताई गई हैं। राज्य की सदस्यता मतलब उसको, वो उस राज्य का एक उसका आईडी होती है, वो राज्य की सदस्यता उसको प्राप्त होती है। किस शहर में निवास करता है, किस गांव में है, सारा उसका जो आईडी है उसमें लिखा हुआ रहता है। और फिर है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता मतलब उसको वहां के जितने भी अधिकार हैं, तो वो किस ग्राम का है, कहाँ रहता है, तो ये सारे उसको बारे में उसको बताया जाता है। राज्य के प्रति निष्ठा, प्रत्येक नागरिकता में अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति क्या होना चाहिए, देशभक्ति की भावना होना चाहिए। नागरिकता व्यक्ति को राज्य की तरफ से अधिकार भी देती है कि आप ये कार्य कर सकते हो। और नागरिकता व्यक्ति को कर्तव्य पालन के लिए भी क्या करती है, प्रेरित करती है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, तो वहाँ के नियमों का हमें कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नागरिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हम देखेंगे इसमें ये एक प्रश्न आ सकता है कि नागरिकों के कौन-कौन से, जो नागरिकता है वो कितने प्रकार की होती है। नागरिकता नहीं, नागरिक कितने प्रकार के हो सकते हैं। धन्यवाद।